दोस्तों ये औरत अपने गले में पहनने के लिए एक हार बना रही थी, लेकिन जितने में तो इसकी पड़ोसन इसको बुलाने आ जाती है और कहती है कि चल पानी भर के आते हैं। और जब ये औरत इस पड़ोसन के पैर में पायल देखती है तो ये पूछती है कि ये कहाँ से लाई है, तो ये पड़ोसन बता देती है कि मेरे पति ने लाई है। और फिर ये औरत घर जाकर अपने पति को कहती है कि मेरे को भी चांदी की पायल लानी है। तो ये आदमी कहता है कि तेरे को तो पता ही है कि हमारे घर की हालत कैसी है। इस औरत को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। अगले दिन जब ये औरत मंदिर आती है तो उसे एक बटुआ दिखाई देता है। तो ये औरत एक मालकिन के पास जाती और कहती है कि आपका है क्या बटुआ। तो ये मालकिन कहती है कि हाँ बेटा मेरा है। और फिर ये मालकिन इस औरत को अपने घर ले जाती है और उसके पास रंगोली बनवाती है और कहती है कि रोजाना हमारे यहाँ ऐसे ही रंगोली बनाने आना। कुछ दिनों बाद में ये औरत मालकिन के पास आती है और कहती है कि मालकिन मैं शादी में जा रही हूँ इसलिए 4 दिन नहीं आ पाऊंगी। तो ये मालकिन कहती है कि बेटा कोई बात नहीं। और फिर अचानक ये मालकिन इस औरत को अपने घर में बुलाती है और जो अपने गले में पहना हुआ हार था वो इस औरत को दे देती है और कहती है कि आराम से शादी मनाकर मेरे को दे देना। तो ये औरत बहुत ही खुश हो जाती है